अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन मलिक फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहरिया टाउन लाहौर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि बड़ी लो बजट इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। और इसको डेफिनेटली जो सैलरी बेसिस पर्सन हैं, जो कि सैलरी मंथली सैलरी अर्न करते हैं, ये उनके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ के लिए कुछ हज़रात ऐसे होते हैं जो ऐसी सोसाइटीज़ की तलाश में होते हैं, जहाँ पे वो अपनी मंथली जो उनका इनकम होती है उसमें ही वो उसको एडजस्ट कर सकें जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करूँगा। आज हम बात करेंगे अलनूर ऑर्चर्ड के हवाले से, इसमें जो नया ब्लॉक आया है वेस्ट मरीना के नेम से। इसमें अगर आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूँ, तो जो अलनूर ऑर्चर्ड के जो पहले तीन ब्लॉक्स थे, जो ए ब्लॉक था, बी ब्लॉक था, ए बी ब्लॉक में तो ऑलरेडी पोजीशन आ चुका हुआ है। यहाँ पे जो 5 मरला का रेट था, अगर इसकी प्राइसेस की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पे 30 से 33 लाख में मिल जाता था यहाँ पे प्लॉट। इसी तरह जो इसका सी ब्लॉक है, वहाँ पे भी जल्द इंशाल्लाह इसका पोजीशन आने वाला है। अब इसी तरह इन तीन ब्लॉक्स की एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसका नाम है वेस्ट मरीना के नेम से जो आया है। अगर इसकी लोकेशन के बारे में सबसे पहले बात की जाए, तो पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं, देन उसके बाद आपको आपके साथ प्राइसेस मैं शेयर करूंगा डिटेल में। लोकेशन की अगर बात की जाए तो इसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं मोटरवे से। अगर रावी टोल प्लाजा से बात की जाए तो वहाँ से आप इसको मैक्सिमम 7 किलोमीटर की ड्राइव होगी आपके लिए। इसी तरह अगर आप फैजपुर इंटरचेंज से, जो मेन शरकपुर रोड है, वहाँ से इसको आप अप्रोच करना चाहें तो वहाँ से आपको 3 किलोमीटर की ड्राइव मिलेगी, जो कि आपके मैक्सिमम 4-5 मिनट ड्राइव बनती है आपकी। इसी तरह अगर आप इसको यतीम खाना से इसको अगर अप्रोच करना चाहें तो वहाँ से आपका मैक्सिमम ये 9 से 10 किलोमीटर बनता है। अगर इसकी बात की जाए, इस सोसाइटी की, इसकी सिक्योरिटी की बात की जाए, इसमें अट्रैक्शन की बात की जाए, देखिए अगर किसी सोसाइटी में आप मूव करने जा रहे हैं या अगर किसी सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपकी जो सबसे जो आप पहले जो आप फैक्टर्स मद्देनज़र रखते हैं वो आपकी बेसिकली अट्रैक्शंस होती हैं, कि उस सोसाइटी में कौन सी अट्रैक्शंस दी गई हैं जहाँ पर आपका कारोबार चल सके, या जहाँ पर आप रिहाइश के लिहाज से जहाँ पर आप ईज़िली कम्फर्टेबल हों। तो इसमें अगर इस जो स्पेसिफिक ब्लॉक है वेस्ट मरीना, अगर इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे अगर अट्रैक्शंस दी गई हैं उसमें सबसे पहले जो मैं अपनी लिस्ट पे रखूँगा वो है यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है, जो कि ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है, एक व्यू होता है, एक फ्रेश एयर। उससे ऑब्वियसली आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि उसका आर्टिफिशियल लेक, एक जो लेक होती है उसके आसपास के एनवायरनमेंट किस तरह से उसको नीट एंड क्लीन और एक अच्छा एनवायरनमेंट रखा जाता है। इसी तरह अगर बात की जाए तो इसी ब्लॉक में 2 से 3 मोनूमेंट्स होंगे, एंड देन यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। इसी तरह अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये गेटेड सोसाइटी है, जो कि एक सिक्योर्ड सोसाइटी है। गार्ड्स वगैरह यहाँ पे और इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है पूरा, वो हमेशा एक्टिव रहता है। देन अगर बात की जाए इसकी वायरिंग वगैरह की, तो अंडरग्राउंड वायरिंग है ओवरऑल पूरी सोसाइटी के अंदर, एंड देन यहाँ पे बिजली है, पानी है, ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी यहाँ पे आपको मिलेंगी। रोड्स की बात की जाए तो रोड्स इसकी वाइट रोड है और ग्रीनरी इसमें जो है वो लश ग्रीनरी पूरी ओवरऑल सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी। LDA अप्रूव्ड सोसाइटी है ये, जो भी लाहौर में जितने भी LDA अप्रूव सोसाइटी हैं उनमें से इन्वेस्टमेंट के लिए ये बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लो बजट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। क्योंकि बाकी जितने भी सोसाइटीज़ हैं लाहौर में जो LDA अप्रूव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे एज़ कम्पेरेटिवली प्राइसेस हाई होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइसेस जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि वाकई यहाँ पे लो बजट इन्वेस्टमेंट की जा सकती है यहाँ पे। इससे पहले जो ए और बी ब्लॉक के अंदर जब लोगों ने इन्वेस्ट किया था अपना, तो वहाँ पर डेफिनेटली अब जो प्राइसेज हैं तब के वक्त से अब तक वो प्राइसेज जो हैं वो इंक्रीज़ कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल जब वहाँ पे किसी ने 25 का प्लॉट परचेज़ किया था 25 लाख में, तो अब 27 से 28 लाख उसकी प्राइस हो चुकी हुई है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए ही है ये, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इसमें डेफिनेटली ज़रूर फ़ायदा देगी ये आपकी इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से अगर बात की जाए इसमें कि ये पोजीशन इसका, ये 5 ईयर का पेमेंट प्लान है ये। अब अगर इसकी प्राइस की तरफ आ जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि 5 ईयर का, 5 साल का ये पेमेंट प्लान है, ठीक है, जिसमें से 2-2.5 साल के अंदर आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। और इसमें अगर बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, कि जो ये अलनूर ऑर्चर्ड जिनका प्रोजेक्ट है, अल जलील गार्डन का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जलील डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग अपनी, जैसे ही जब पीछे ए और बी ब्लॉक का जब पोजीशन आया था, तो अभी लोगों की कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स रहती थी कुछ लोगों की, तो उनको इंस्टॉलमेंट्स के दौरान ही उनको पोजीशन दे दिया गया था। तो ये डिलीवर करते हैं, अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं ये
इन्होंने पहले भी जब इन लोगों की इंस्टॉलमेंट चल रही थी, इंस्टॉलमेंट्स के दौरान ही इन्होंने पोजेशन दे दिया था, तो होप्स हो कि ये नेक्स्ट भी अपनी इसी चीज़ को, ये अपने बेस्ट पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे और इंस्टॉलमेंट्स के दौरान ही मे बी ये जो है पोजेशन दे दें। अगर इसकी प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस में इसका, अगर सबसे पहले इसकी कैटेगरीज आपको मैं बता दूं, तो इसकी कैटेगरीज चार तरह की कैटेगरीज हैं। इसमें कटिंग है जो चार तरह की कटिंग है, 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 केनाल। तो इसमें सबसे पहले अगर 3 मरला की प्राइसेस के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूं मैं, तो 3 मरला का जो प्लॉट है वो 16 लाख को आपको मिलेगा, जिसमें से डाउन पेमेंट जो है वो आपको 2 लाख डाउन पेमेंट करना होगी और देन 12,000 जो है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। 12,000 जो है बड़ी लो बजट अमाउंट है। आप जो सैलरी पर्सन हैं, आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को मैं, जो सैलरी पर्सन है वो इजीली इसको पे कर सकते हैं। 12,000 एक लो बजट अमाउंट है, तो जो सैलरी पर्सन है उनके लिए भी ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। देन इसी तरह अगर आगे मूव करें तो 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 25 लाख में मिल जाएंगे, उसकी टोटल प्राइस जो है वो 25 लाख है। इसी तरह उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 3 लाख उसकी डाउन पेमेंट है, एंड देन 17,000 जो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह अगर बात की जाए 10 मरला की, 10.11 मरला ये बनती है इसका जो प्लॉट है, कटिंग इसकी, और इसी तरह उसकी अगर टोटल प्राइस की बात की जाए तो 42,50,000 उसकी टोटल प्राइस बनती है, जिसमें से आपको 5 लाख जो है डाउन पेमेंट पे करना होगी और देन आगे आपकी 30,000 जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। देन इसी तरह अगर 1 केनाल की बात की जाए तो उसकी टोटल प्राइस जो बनती है वो 70 लाख बनती है। इसी तरह आपको 8 लाख उसकी डाउन पेमेंट पे करना होगी और देन आगे आपको 45,000 उसकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो ये ओवरऑल इसकी प्राइसेस आपको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। देन आपको लोकेशन के बारे में इसका मैंने आपको बता दिया है, आपको जो क्लिप्स वगैरह आपने देखे हैं उससे भी आपको एक बेहतर आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह की ये सोसाइटी है, किस तरह ये डेवलप हो रही है। अल जलील गार्डन, अल जलील डिवेलपर्स का ये प्रोजेक्ट है जो पहले अल जलील गार्डन को पूरा कर चुके हैं, आप उसका भी देख सकते हैं कि ये अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी करते हैं। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब इसके ब्लॉक्स आए थे, ए एंड बी ब्लॉक्स आए थे, जब लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो लोगों की अभी इंस्टॉलमेंट्स चल रही थी, तो उनको उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स के बीच में ही उनको पोजेशन दे दिया गया था। तो ये डिलीवर करते हैं, टाइम पे डिलीवर करते हैं। अब मे बी आपको भी इसी तरह अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पोजेशन जो है वो अर्ली पोजेशन आपको मिल जाए। उम्मीद करते हैं आपकी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी बुकिंग का तरीका बताता चलूँ मैं, तो बुकिंग इसकी इंतहाई सिंपल है, बहुत सादा तरीके से आप इसको बुक करवा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ आपके आईडी कार्ड की कॉपी, नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपी और देन आपके पासपोर्ट की जो पिक्चर्स हैं वो इसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है, इसमें हमारे पास बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो बुकिंग करवा चुके हैं, उनके लिए भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, उनके लिए भी बुकिंग का एक सिंपल प्रोसेस है। मज़ीद की क्यूरी अगर आपके माइंड में है या आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं इस अलनूर ऑर्चर्ड से रिलेटेड, वेस्ट मरीना ब्लॉक से रिलेटेड, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।